सी बेटा एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 7.48 नाउ फिगर इज गिवन टू यू इन द बुक। साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। इन दिस क्वेश्चन फिगर माइट नॉट बी गिवन ऑल्सो, सो यू कैन यू नो हाउ यू शुड नो हाउ टू मेक द फिगर। यू हैव अ ट्राइंगल ए बी सी and the side AB and AC are extended to point P and point Q. Also angle PBC, angle PBC, this angle say 1 is less than angle QCB, say angle 2. Angle 1 is less than angle 2, we have to show that AC is greater than AB. AC is greater than AB. Write down given. In triangle ABC, AB and AC are extended to point P and Q. This we have to write in given. Then because we have to write angle 1 less than angle 2 and that is PBC. तो गिवन में पी एंगल के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी साइड्स ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। एंगल वन सी दे आर रिटन पी बी सी देन वी हैव मार्क्ड द एंगल्स इन द फिगर देन इन द गिवन डायरेक्टली वी कैन राइट एंगल वन इज लेस देन एंगल whatever it was, we have marked the angle PBC and QCB. तो चाहे आप naming लिख दो चाहे numbering लिख दो, ठीक है? Then to prove AC is greater than AB. Look on the board, beta. See for the solution, what we are going to do? We are going to take this one angle here 3 and one angle here 4, right? So now you can see this is a straight line, this is a straight line and angle 1 plus angle 3, what does it make? They are linear pair, makes the sum 180, yes or no? So we will write proof angle 1 plus 3 is 180 degree, linear pair, mark it number 1, you will write full reason, linear pair not LP. Also, angle 2 plus angle 4 is 180 degree. Again, the same reason. Now you can see 1 plus 3 is also equal to 180. 2 plus 4 is also equal to 180. This implies we can write from 1 and 2, angle 1 plus 3 is equal to angle 2 प्लस 4, ठीक है? अब देखो बच्चे, अगर दो साइड्स पे दो एंगल्स इक्वल हैं, उनका सम, इफ वन एंगल इज स्मॉलर देन द, इफ वन एंगल ऑफ वन साइड इज स्मॉलर देन द वन एंगल ऑफ द अदर साइड देन द सेकंड एंगल विल बी ग्रेटर देन द सेकंड एंगल ऑफ द अदर साइड। लेट मी शो यू, सपोज वी टेक 40 प्लस 70, इधर देखो 40 प्लस 70 जनरल 180 नहीं बना रही इज इक्वल टू ये कितना हो गया 110, इधर हमें बनाना है 30 तो ये हो गया 110 बनाना है 80 इक्वल है, हम लिख सकते हैं 40 प्लस 70 इज इक्वल टू 30 प्लस 80। अगर हम इसकी बात करें, सपोज अगर एक साइड पे एक एंगल एक मतलब इनको कंपेयर करें, इनको अगर कंपेयर करें, इफ वन एंगल इज ग्रेटर दूसरी साइड के एक एंगल से तो जो दूसरे वाला एंगल है वो क्या होगा? छोटा। मतलब दोनों में से एक साइड पे एक एंगल बड़ा होगा दूसरी साइड से और दूसरा एंगल छोटा होगा, ठीक है? अगर हम ऐसे ले लें जैसे हमारे क्वेश्चन में है 30 प्लस 80 इज इक्वल टू 40 प्लस 70, एक ही बात है।
if 1 + 3 2 + 4 एंगल, ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। अब देखो एंगल 1 जो है 1 + 3 2 + 4, एंगल 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो जो दूसरा एंगल है वो दूसरी साइड के दूसरे एंगल से क्या होगा बड़ा, ये हमेशा ट्रू होता है फॉर ऑल द केसेस दैट इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दो एंगल्स का सम अगर इक्वल है तो दोनों साइड में एक एंगल दूसरे साइड के एक एंगल से बड़ा होगा, अगर इसको ये बड़ा है तो दूसरे वाला एंगल दूसरी साइड के दूसरे एंगल से क्या होगा छोटा। माय पॉइंट इज क्लियर राइट। सो एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, दिस इज गिवन। अगर बेटा एंगल 1 2 से छोटा है दिस इंप्लाइज फॉर श्योर जो दूसरा एंगल है वो दूसरी साइड के दूसरे एंगल से क्या होगा बड़ा। इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कोई रीजन नहीं देना, ये अंडरस्टूड है वो कैसे वो मैंने आपको समझा दिया है। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर देन इफ वन एंगल इज स्मॉलर देन द वन एंगल ऑफ द अदर साइड देन द सेकंड वन विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर राइट। नाउ एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4 which is the side opposite to angle 3 AC and which is the side opposite to angle 4 AB. This implies AC is greater than AB. Sides opposite to greater angle is longer or greater. जो बड़ा एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होगी बड़ी। प्लीज नोट डाउन। मार्क द एंगल्स। So now I'm going to rub the figure. Everyone quickly note down the solution. Now see beta next question. In this figure, angle B is less than angle A and angle C is less than angle D. Show that AD is less than BC. Now let's see how to do. Write down given. Angle A is less than, angle B is less than A. And angle C is less than angle D. To prove AD is less than BC. See now the proof. Proof देखो बेटा, proof में हमें जो given है हम बोलेंगे angle B is less than angle A. B is less than angle A. एंगल बी के सामने कौन सी साइड है ओ ए, और एंगल ए के सामने कौन सी साइड है इन दिस ट्रायंगल ओ बी, सॉरी व्हाट इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल बी ओ ए,
So we will write this implies OA is less than angle A के सामने OB. Side opposite to greater angle is greater. I hope it is clear. Angle A बड़ा है तो angle A के सामने जो side है वो obviously बड़ी होगी. It will be greater. So therefore OB is greater than OA, or we can write OA is less than OB, one and the same thing. Mark it as number one. Also angle C is less than angle D. Similarly is the case. Angle C के सामने कौन सी side है? OD. और D के सामने OC. OD is less than OC. Mark it as number two. Now students, we have to add the equations. You have to be careful कि अगर आपने जैसे यहां पर OA is less than OB लिखा है तो दूसरी इक्वेशन में भी यू हैव टू राइट द साइड लेस देन द अदर साइड. उल्टा करके नहीं लिख देना कि यहां पर लिख दिया ओ ए इज लेस देन ओ बी और यहाँ लिख दिया ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी और फिर ऐड करो, फिर आपको आपके रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा, वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपकी एडिशन गलत है. आपने स्मॉलर वाले में ग्रेटर वाला ऐड कर दिया. साइन अलग है तो दे आर नॉट द इक्वेशंस आर नॉट सेम. So you cannot add their left hand side and right hand side. It should be the same. Fine. So adding one and two, OA plus OD is smaller than. See बच्चे, smaller than का sign चलता आ रहा है तो वही sign चलेगा. Equal to नहीं डालना है. OA plus OD is smaller than OB plus OC. Therefore, OA plus OD is AD and OB plus OC is BC. Hence, AD यहाँ पर BC आएगा. मैंने गलत लिख दिया. तो प्रूव में बेटा BC था. करेक्ट कर लो. AD is less than BC. Please do the correction. AD is smaller than BC. Yes, Dhiren. Ma'am, can you explain this sum once again? Yes, sure. See beta, it is very easy sum. This is given to you, angle B is smaller than angle A and angle C is smaller than angle D. आपको शो करना है कि ये AD BC से क्या है, smaller. आपने देखा BA की बात हो रही है. You have done the statement theorem, side opposite to greater angle is greater. ठीक है, तो वही लगेगी यहाँ पर. Angle B जो है वो A से छोटा है, तो इसका मतलब या हम कह सकते हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी. सो द साइड ऑपोजिट टू एंगल ए दैट इज ओबी, ओबी विल बी ग्रेटर देन ओए. वही हमने लिखा है, छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड भी छोटी होगी. ठीक है, तो बी के ऑपोजिट ओए इज स्मॉलर देन ओबी, ए के ऑपोजिट ओबी. सिमिलरली इज द केस एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी, तो सी के सामने वाली साइड उसके नीचे लिख देनी है. C के सामने कौन सी साइड है? OD. और D के सामने कौन सी साइड है बेटे? OC. वो लिख दी. अब दोनों को ऐड कर दिया, OA plus OD, OB plus OC. OA plus OD क्या बना? AD. And OB plus OC क्या बना? BC. Hence proof. Note down please. हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनी वन? नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना है.
So I hope you all have noted this. So I'm going to rub it. Now see the question. AB and CD are respectively the smallest and longest side of the quadrilateral ABCD. Show that A is greater than C and B is greater than D. Write down. Given in quadrilateral ABCD, AB is the smallest side. चारों साइड में से जो ए बी है वो सबसे छोटी है. एंड सी डी इज द ग्रेटेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड लिख लो, ग्रेटेस्ट साइड वन एंड द सेम थिंग. ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड सी डी इज द ग्रेटेस्ट साइड. फाइन. टू प्रूव एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी and angle B is greater than angle D. Now students, in order to solve this angle A or angle C ko solve karenge pehle hum, theek hai, B or D ko baad mein. In order, when they are talking about angle A and angle C, then you have to join this AC. ठीक है? आप यहाँ construction लिखोगे. Join AC. इसी में हमें BD भी join करना है. But BD को join करके क्या proof करेंगे? That angle B is greater than angle D. Figure में होच पोच हो जाएगा. इसलिए मैं अभी नहीं वो करवा रही. ठीक है? वो अलग से figure बना के करवाऊंगी. But you have to do in one figure only. Look here. Mark this angle 1. Now we have to mark the angles. Look here. 1, 2, 3, and 4. कोई भी एंगल कहीं भी मार्क करो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन चलेगा. ठीक है? So now what we have to do? First of all, we have to apply that rule. That angle opposite to greater side is greater, or we can say angle opposite to the smaller side is smaller. Put 1 minute. अच्छा, देखिए. In triangle ABC, ABC में बेटा ध्यान से समझना है. ABC में कौन सी side आ रही है? हमें ए बी के बारे में बताया कि वो सबसे छोटी है, सी डी के बारे में बताया कि वो सबसे बड़ी साइड है. ठीक है? अब ए बी सी ट्राइंगल में कौन सी साइड आ रही है? ए बी. सो वी हैव टू कंपेयर द साइड विद द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, नॉट विद द डायगोनल विच वी हैव जॉइंड. सो इन ट्राइंगल ए बी सी वी विल कैन बी राइट दैट ए बी इज, ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज shortest side. This implies AB is smaller than BC. Of course, है ना? अगर AB सबसे छोटी है quadrilateral की चारों साइड में से, तो हम लिख सकते हैं AB is smaller than BC. अब इस ट्राइंगल में बेटा AB के सामने कौन सा एंगल है? 2. और BC के सामने कौन सा एंगल है? 1. Therefore, angle 2 is smaller than angle 1. नंबर 1 लिख सकते हैं. रीजन क्या देंगे? एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर. ठीक है? कि जो बड़ी साइड है उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी क्या है? बड़ा. इन अदर वे ऑल्सो यू कैन राइट angle opposite to the smaller side is smaller. One and the same thing it means. ठीक है? Now we will take the other triangle. This one ADC. Now in triangle ADC, ADC में DC is the greatest side. तो इसको किसके साथ compare करना है?
एडी के साथ, ना कि ये एसी। एसी के उसमें हमने ज्वाइन किया है, हमने एंगल्स को ब्रेक करना था, साइड को साइड के साथ ही कंपेयर करना है। सो कैन वी राइट ए डी इज स्मॉलर देन डी सी, है ना? तो AD के सामने कौन सी साइड है बेटे, एंगल है सॉरी 4, और DC के सामने कौन सा एंगल है 3, नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल 2 प्लस 4 इज स्मॉलर देन एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल ए। नाउ अगेन सी, हमारे पास आ गया सी स्मॉलर देन ए, सी छोटा है ना ऐसे, और ए ग्रेटर देन सी, वन एंड द सेम थिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, लाइक वी हैव टू प्रूव एंगल ए। Everyone, please stop writing. If you are writing, understand the question again. Then I'll give you the time to note down. First of all, we need to prove that A is greater than C or C is smaller than A. A की बात है। तो A और C को join कर दिया। पहले ये वाला triangle लेना है बच्चे, फिर ये triangle लेना है। इस triangle में A भी सबसे छोटा है। तो हम जो छोटे वाली side है, उसको left hand side पे रखेंगे in both the triangles। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि जैसे अगर हमने पहले लेफ्ट साइड पे स्मॉलर साइड लिख दी, तो दूसरे ट्रायंगल में भी हमने लेफ्ट साइड पे स्मॉलर साइड लिखनी है। साइन सेम ही रहना चाहिए, ऐसे लेस देन वाला उल्टा नहीं करना, फिर इक्वेशन ऐड करोगे गलत हो जाएगा। ए बी इज स्मॉलर देन बी सी, ए बी के सामने एंगल 2, बी सी के सामने एंगल 1, तो एंगल 2 इज स्मॉलर देन एंगल 1। नाउ इन दिस ट्रायंगल, ये सबसे बड़ी साइड है, तो हमने लिखा AD is smaller than DC। ऐसे नहीं लिखना DC is greater than AD, फिर गलत हो जाएगा। AD के सामने बेटा कौन सा एंगल है इस ट्राइंगल में, 4, और DC के सामने 3, तो एंगल 4 is smaller than एंगल 3। Then we have added these two equation, left hand side will get added to left hand side, angle 2 plus angle 4 is smaller than angle 1 plus angle 3. Now you can see what is angle 2 plus angle 4, that is angle C, and 1 plus 3 is what, angle A, and that is what we have to prove, that angle A is greater than angle C. Any doubt to anyone till here? Then note down. हाँ जी, anyone who is still noting down, please raise your hand, otherwise I'll move forward. Next देखो बेटा, next में हमने क्या prove करना है, that angle B is greater than D. So similarly, now what we are going to do, we are going to join BD. So in the same construction, we will write join AC and join BD. आपने बेटा A की figure में join करना है ऐसे। मैं ज्वाइन करके एंगल्स मार्क कर रही हूं, फिर अलग से फिगर बना के समझा भी दूंगी। ज्वाइन बीडी इसको दे दो एंगल 5, 6, 7, 8।
Now see here. For this proof, now which two triangles we will take? ये वाला और ये वाला. मतलब जब हमने BD join किया तो ये वाला और ये वाला. आप पूरी फिगर बना दो. आप अलग अलग से अपनी रफ में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इन ऑर्डर टू सॉल्व यू कैन मेक द सेपरेट फिगर ऑल्सो कि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. सो नाउ वी विल टेक इन ट्राइंगल ए बी डी. ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड. ये बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है. इन ट्राइंगल ए बी डी कैन आई राइट दैट ए बी इज स्मॉलर देन ए डी. यस बिकॉज ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड. ए बी इज स्मॉलर देन ए डी. ए बी इज स्मॉलर देन ए डी. ए बी के सामने कौन सा एंगल है बेटे? एंगल 6. और ए डी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 5. सो एंगल 6 इज स्मॉलर देन एंगल 5 नंबर 1. ठीक है. अब इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल बी सी डी सी डी इज द ग्रेटेस्ट साइड. यस सी डी इज द ग्रेटेस्ट साइड. ये छोटी ये बड़ी किससे है? बी सी से. हमने साइड्स को साइड से कंपेयर करना है तो हमने छोटे वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है. विच साइड इज स्मॉलर अमंग दीज टू? बी सी. बी सी इज स्मॉलर देन डी सी. बी सी के सामने एंगल 8 और डी सी के सामने एंगल 7. हमेशा आपने ये देखना है कि जैसे एंगल 6 लेफ्ट हैंड साइड पे है तो एंगल 8 लेफ्ट हैंड साइड पे आए, क्योंकि जब हमने ऐड करना है तो ये पूरा एंगल बनेगा डी. अगर गलती से एंगल 6 लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी में एंगल 7 तो वो ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये किधर है किधर है, वो गलत हो जाएगा. तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो स्मॉलेस्ट साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो. ये एंगल 8 लिखा है, कैमरा रखती हूँ. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Adding 1 and 2, angle 6 plus angle 8 is smaller than angle 5 plus angle 7. 6 plus 8 is angle D and 5 plus 7 is angle B. Hence proved. Hence we have proved that B is greater than angle D. और अगर ग्रेटर वाली साइड लिखनी है तो हर एक केस में ग्रेटर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगी. यस विरेन. मैम आई हैव अ डाउट रिलेटेड टू वन कांसेप्ट. मैम इन वन क्वेश्चन इट वाज अ ट्रायंगल नेम वाज एडीसी एंड वी वर राइटिंग सीडी इक्वल्स टू डीबी. सो अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पोंडेंट वी शुडंट राइट डीसी और वी शुड राइट सीडी. बेटा कॉरेस्पोंडेंस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी आर प्रूविंग द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. अदरवाइज नो इशू. ए डी सी लिखो ए सी डी लिखो वो उसमें कोई बात नहीं है. नो मैम इन द गिवन थ्री प्रूफ वी वर राइटिंग डी सी इक्वल्स टू डी बी. सो वी शुड राइट सी डी और वी शुड राइट डी सी. और डी सी वन एंड द सेम थिंग. इट इज योर विश. यू कैन राइट एनीथिंग. ओके मैम. ठीक है. Correspondence which I had talked about, that is when we are proving the two triangles congruent, when we are naming the triangles, then we have to see the correspondence. In this case, either write CD or DC, one and the same thing. Okay? Okay. Note down, please. So two questions are left. We will do it tomorrow. ठीक है. We will not hurry to in the do the questions in hurry. We will do on Monday. Sorry. ठीक है. On Monday we will finish these two questions and we'll start the new chapter. Or I'll ask which theorem is to be done, then we'll discuss that. Any doubt to anyone? All right, beta. See you on Monday. Take care.